आगे बढ़ते हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा बुधवार को खरगोन पहुंची, जहां सीएम शिवराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का जबरदस्त स्वागत हुआ। सीएम और सिंधिया ने बाजीराव पेशवा की 321वीं जयंती पर उनकी तारीफ की और मराठों के इतिहास को बताया। बीजेपी ने खरगोन में आशीर्वाद यात्रा के जरिए अपना दम दिखाया। इस यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहे, लेकिन इससे पहले सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया बाजीराव पेशवा की समाधि पर पहुंचे, इसके बाद यात्रा को संबोधित किया। योद्धा नहीं थे, कुशल रणनीतिकार थे, जिस गोरिल्ला युद्ध को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस गोरिल्ला युद्ध को लड़ा था उसको और परिष्कृत किया था बाजीराव पेशवे जी ने। बाजीराव ने 39 साल में 41 लड़ाइयां लड़ी और सभी जीती। निजाम की सेना को भी घेर कर घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। 39 साल जिए, 39 साल, लेकिन 39 साल में 41 लड़ाई लड़ी और 41 की 41 लड़ाइयां जीती इस योद्धा ने। कहते तलवार ऐसे चलाते थे कि तलवार दिखाई नहीं देती थी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि मराठों का 150 साल का इतिहास रहा है। इस भारत माता को घेरने का काम चाहे मुगलों के द्वारा, चाहे अफगानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली के द्वारा, चाहे पोर्चुगल के राजाओं के द्वारा, चाहे अंग्रेज हुकूमत के द्वारा, चारों तरफ से भारत माता को घेरने की कोशिश की और 150 साल मराठाओं ने संघर्ष करके इस भारत माता की संस्कृति को बचाने का कार्य किया है। रावेर खेड़ी स्थित श्रीमंत बाजीराव की 321वीं जन्म जयंती महोत्सव के दौरान करोड़ों की लागत से होने वाले कार्यों का शुभारंभ भी किया गया। खरगोन से नितेंद्र के साथ टीम न्यूज स्टेट। आशीर्वाद यात्रा पर निकले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर ओबीसी आरक्षण पर नौटंकी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पेशवा बाजीराव की समाधि पर जाकर वो भावुक हो गए थे, हमारे पूर्वजों ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई की। ज्योतिरादित्य सिंधिया से पूरे मसले पर बात की हमारे संवाददाता नितेंद्र शर्मा ने। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद प्रदेश में आशीर्वाद यात्रा निकालने आए और आगे भी बैठ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे साथ हैं। बैठेंगे इसके बाद पहले। क्या मध्य प्रदेश में मंत्री बनने के बाद मालवा निवाड़ क्षेत्र में सिंधिया जी यात्रा निकाल रहे हैं, स्वागत है सिंधिया जी आपका, कि आशीर्वाद यात्रा का क्या मकसद है, क्यों जनता के बीच में इस समय, क्योंकि अभी तो चुनाव भी दूर है, क्या कारण है कि आशीर्वाद यात्रा सभी लोग निकाल रहे हैं? देखिए, अगर जीवन में हम लोगों का लक्ष्य जनसेवा है और अगर हम लोग जनसेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो फिर हमारा दायित्व तो बनता है कि जनता का आशीर्वाद ग्रहण करना, जनता के समक्ष रहना और जनता को जागरूक भी रखना कि क्या गतिविधियां चल रही हैं। मंत्री बनने के बाद जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य था कि जो संसद में अवहेलना की गई है, प्रजातंत्र को का गला घोटने की कोशिश की गई है, ये संदेश हमें जनता तक पहुंचाना होगा और जो परिचय भी नहीं होने दिया मंत्रिमंडल का, इससे ज़्यादा निंदाजनक विषय नहीं हो सकता। और इसलिए हम लोग जो मंत्रिमंडल भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहां हर वर्ग हर समाज को प्रतिनिधित्व दिया गया है, पिछड़े वर्ग के 27 मंत्री हैं, अनुसूचित जनजाति के 10-12 मंत्री हैं और महिलाओं में भी 8-10 मंत्री हैं, नौजवान युवा पीढ़ी को भी सम्मिलित किया गया है, जो भारत का गुलदस्ता है सामाजिक हर दृष्टिकोण से, वही गुलदस्ता प्रधानमंत्री जी ने मंत्रिमंडल में भी सुशोभित किया। ओबीसी आरक्षण की बात पूरे देश में इस समय चल रही है, क्या लगता है आपको, कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि भाजपा के कारण ओबीसी आरक्षण नहीं हो पाया, आपको क्या लगता है? इसका जवाब मुख्यमंत्री जी ने भी स्वयं दे दिया है कि जो कांग्रेस जो नौटंकी कर रही थी 18 महीने एक कदम भी नहीं उठाया, जो न्यायालय में मुकदमा चल रहा था उसमें पैरवी भी नहीं की, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 27% आरक्षण
पिछड़े वर्ग के लोगों को दिलवाया है, जो कांग्रेस ने सत्ता में रहकर बातें बहुत की लेकिन क्रियान्वयन कभी नहीं की। वो क्रियान्वयन चाहे 27% पिछड़े वर्ग के आरक्षण का हो, चाहे देश में भव्य राम मंदिर का हो, चाहे अनुच्छेद 370 रद्द करने का हो, कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का हो, ये सब केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में संभव हो पाया है। बाजीराव पेशवा की समाधि स्थल पर आज आप गए थे और वहाँ आपने कहा कि मराठा जो है उसने 150 साल तक हिंदुस्तान को मुगलों से और सब लोगों से वो कराया। इस समय आप देख रहे हैं जिस तरीके से तालिबान में जो स्थिति, अफगानिस्तान में जो तालिबान ने स्थिति बनाई है, क्या लग रहा है आपको, क्या आने वाले समय में क्या देश की स्थिति होना चाहिए, क्या रणनीति होना चाहिए? देखिए, हमारा तो अभी दायित्व है कि हमारे जितने भी भारतीय नागरिक हैं जिनको हमें सुरक्षित वापस देश लाना है, ये हमारी प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री ने हम सबको भी निर्देश दिए हैं कि जो संभव सुविधा हो भारत सरकार को हमारे देश के नागरिकों को वापस लाने के लिए हमें पहल करना चाहिए। शुक्रवार से रविवार तक भारत की एयर इंडिया ने विमानों के जरिए सैकड़ों लोगों को वापस अफगानिस्तान काबुल से एयरपोर्ट से वापस लाने में हम लोग सफल हैं। सोमवार के दिवस काबुल एयरपोर्ट का एयर स्पेस बंद किया गया था, तो कोई भी जो हवाई यात्री हैं उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। तब हमने ये निर्णय लिया कि वायुसेना की विमान जाएगी और वायुसेना की विमान से हम अपने नागरिकों को वापस सुरक्षित लाएंगे। और कल पहला वायुसेना का विमान जामनगर में लैंड करके, रिफ्यूल करके हिंडन में लैंड हुआ और 125 भारतीय नागरिकों को वापस सुरक्षित लाने का कार्य भारत सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग सफल हो पाए। तो हमारी यही प्रयत्न है कि भारतीय नागरिकों को हम वापस सुरक्षित लाएं। भारत की क्षमता विश्व स्तर पर हमारे जय श्री राम प्रवासी भारतीयों के आधार पर भी बनती है और उनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। तो ये थे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बताया कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में बैठ सके, साथ ही जो हमारे पुराना इतिहास है वो लोगों को पढ़ाया जाए, युवा को पढ़ाया जाए, जिससे वो जान सकें कि हमारे पूर्वजों ने क्या देश के लिए किया था। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, इंदौर।